वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वीडियो टू. दिस इज नर्वस टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बनी है. यानी नर्वस टिश्यू जो है हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना है और न्यूरॉन्स को ही नर्व सेल्स भी बोलते हैं. तो दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर. यानी एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जाती है. इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस में प्रोड्यूस होती है? न्यूरॉन में. ठीक है, तो कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं हमारी बॉडी में. कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? रिसेप्टर्स होते क्या हैं? स्पेशलाइज सेल्स विच डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. स्टिमुलस होता है कोई एक्शन हो रहा है आपके आसपास. सपोज आपकी मदर किचन में खाना बना रही है, ठीक है, तो वो खाना बनाना एक स्टिमुलस है और आपको उसकी स्मेल आ रही है कि राइस बन रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पहचान है उसकी, तो वो एक स्टिमुलस हो रहा है. तो स्टिमुलस को किसी स्पेशलाइज चैन जो सेल्स हैं उन्होंने पहचान लिया और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया न्यूरॉन्स के थ्रू. अब पहले आपके नोज़ ने स्मेल की, उस स्मेल के जो सिग्नल्स हैं वो सारे न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के पास गए. ब्रेन ने पहचाना ही तो राइस की स्मेल है. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? नोज से गया ब्रेन तक मैसेज और ब्रेन ने एक्ट किया उस पर कि ये स्मेल तो जानी पहचानी किसकी है? राइस की. ठीक है, तो रिसेप्टर इस तरह से काम करते हैं. सपोज आपने कुछ खा के टेस्ट किया, आइसक्रीम खाई आपने, तो वो आइसक्रीम जो है टंग जो है उस स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज है उसको न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक भेजेगी और ब्रेन पहचानेगा कि ये स्मेल, नेक्स्ट टाइम आप आइसक्रीम खाओगे तो आपको पहचान हो जाएगी स्मेल आइसक्रीम की, सॉरी ये टेस्ट आइसक्रीम का है, टंग ने बताया आपको. तो हमारी बॉडी में 5 रिसेप्टर्स होते हैं. कौन कौन से? फोटो रिसेप्टर, जैसे आइस, कुछ देखा आपने, आपके पापा घर पे आए, आपके घर पे कोई और आदमी आता है आप उसको तो नहीं पापा बोलोगे ना, तो आपको पहचान हो गया. ब्रेन ने उस जो उनको देखते ही आइज़ ने वो मैसेज ब्रेन के पास भेजा. ब्रेन में हमारे पास मेमोरी लोकेटेड है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है वैसे ही आपके दिमाग में भी एक हार्ड डिस्क है, उसमें स्टोर है कि ये मेरे पापा हैं, तो उन्होंने पहचान लिया. ठीक है, तो एक सबसे पहला रिसेप्टर है आइज़, जिसको हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं. फिर फोनो रिसेप्टर, जिसको हम ईयर्स बोलते हैं. अगर आपके दूसरे रूम में भी फिल्म चल रही होगी सलमान खान की तो आप आवाज़ पहचान जाओगे, या मोदी की आवाज़ सबसे पहले, मित्रों भाइयों और बहनों, तो आप एक मिनट में पहचानोगे मोदी बोल रहा है. तो आपके कान ने एक दिमाग में एक इमेज बनी हुई कि ऐसी आवाज़ किसकी है? मोदी की है. तो ये फोनो रिसेप्टर्स हैं. नेक्स्ट है गस्टेट्री. गस्टेट्री होती है टंग, जो टेस्ट करती है चीज़ों को. ठीक है, नेक्स्ट है थिग्मो रिसेप्टर. थिग्मो होता है स्किन. आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कैसे और किसी ने पिंच किया, ये सब स्किन बताती है. स्किन वो मैसेज ब्रेन के पास पहुंचाता है कि ये मुझे क्या हुआ, क्या फीलिंग आई, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नोज़, जो अगर आपको अगरबत्ती जलाई रूम में, क्वेश्चन भी था बैक में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो नोज़ हैं. ठीक है, तो हमारे 5 रिसेप्टर्स हैं, फोटो, फोनो, गस्टेट्री एंड थिग्मो एंड ऑल्फैक्टरी. ये लिख लेना बुक में सबके नाम. उसके बाद ये एक्टिविटी है कि अगर आपने माउथ में शुगर रखी है तो उसका टेस्ट कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में, आपको पता है, वो गस्टेट्री रिसेप्टर्स हैं, वो बताएंगे कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा होता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे है रिफ्लैक्स एक्शंस. रिफ्लैक्स एक्शन क्या होता है? इट इज़ अ सडन अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. स्टिमुलस मैंने भी आपको बताया था, कोई एक्शन हुआ है, कोई भी एक्ट हुआ है, उस पर कैसे रिएक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लैक्स एक्शन. सडन मीन्स अचानक वाला जो रिस्पॉन्स है. अब एक तो आप सोच के, अब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप पहले उसको सोचोगे, ब्रेन प्रोसेस करेगा, मेमोरी में उसके आपने फीड किया हुआ, लर्न किया हुआ, तो आप मुझे रिप्लाई कर दोगे उसका. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो बिना सोचे ही होनी होती हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लैक्स एक्शन. जैसे क्या? आपका गर्म गर्म कप पे हाथ लग गया, तो क्या आपका दिमाग सोचने में टाइम वेस्ट करेगा? या चाय हाथ पे गिर गई है तो क्या, तो एकदम से आप क्या करोगे, हाथ हटा लोगे पीछे. तो एक सडन एक्ट है ये. सडन एक्ट में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, ब्रेन नहीं अपना सजेशन देगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड सजेशन देगी. तो ये रिफ्लैक्स एक्शन है. तो सडन मीन्स अचानक, अनकॉन्शियस मीन्स बिना होश के. ठीक है, बिना होश के, इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा से भी नहीं होगा वो रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस को, जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, ये साइड पे डायग्राम बना हुआ है, ये हॉट वाटर का पैन है, आपका गर्म हाथ लग गया इस पर, तो ये मैसेज कहाँ तक पहुँचा? ब्रेन तक. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन, ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल, विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द फ्लेम, राइट?